नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख हो हित एक न चलै नाल केव सचियारा होइया केव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने नीसाण गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुख काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहण मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान हो सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਨੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀ ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਓ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ
केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाणै आपे देहे, आखै से पे के ई केहे, जिस नो बक्से सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवहै मुल लै जाहे, अमुल पाए मुल असमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बखियान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करेहे, ताख न सकै के ई केहे, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाणै सचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार केहा सो कार केहा, जित भै सर्व संभाले, वाजे नादन एक असंखा, केते बावन हारे, केते राग परिस्यव कईन, केते गावन हारे, गावे तोनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंदे दासन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहने, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खान इंचारे, गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, से ही तुदनो गावे जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वड़ियाई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई, मुंदा संतोख सरमपद चोली, ध्यान की करह विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरासाद, संजोग विजोग दो एकार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिवत सभावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उन्ना नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार, जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भाव लख हो, लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, ए तुराहे पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा या ईरीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िया है, रूप रंग के वेश,
केतिया कर्म भूमि मेर केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथे भगत बसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथे लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृतो तिताल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेहर करे जिस मेरवा ताकार जियावे रास मेहर करे जिस मेरवा ताकार जियावे रास सुख दाता पै पंजनो
छाट के गुरकी चरणी पाओ मेरे करे जिस मेरवा साध संगत होए निर्मला
सदेवो अपना नाम मेहर कर जिस मेरवा
ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करणे हारा आपे करणे हारा ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करणे हारा आपे करणे हारा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करणे हारा आपे करणे हारा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करणे हारा आपे करणे हारा चरण तूड़ तेरे सेवक मांगे चरण तूण तेरे सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा तेरी सेवा तेरी सेवा भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा तेरी सेवा बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक बड़ी ध्यान से बहुत ध्यान से सुनो खास करके जितने सेवादार बैठे कल को संगत में से भी कई सेवादार बनेंगे बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि सेवा वो चीज है साथ संगत जी अगर करने का ढंग आ जाए तो गुरु नानक की प्राप्ति सीधा 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 बहुत जल्द वो भी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक सेवा करने वाला बहुत जल्द पहुंच जाता है बस ढंग आ जाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक और अगर सेवा करने वाला गलती कर बैठे भूल कर बैठे तो उसका दंड बड़ा भयानक है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जिस काम में जितना रिस्क होता है उतना लाभ भी होता है सब समझते हैं इस बात को जितना बड़ा लाभ होता है उतना बड़ा रिस्क भी उसके पीछे होता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक यही सेवा जो गुरु के चरणों में पहुंचा सकती है बहुत जल्द जन्म का भी छोड़ा डाल सकती है गुरु के चरणों से अगर करने का ढंग ना आए
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा गुरु नानक मेहर करे। आज ये समझने की कोशिश करें, सेवा कहते कैसे है, सेवा करते कैसे हैं, सेवा में कौन सी चीजों का परहेज करना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास चाहता है, पता है मेरा मन क्या करता है, इतनी इतनी सेवा करते हैं ना जो सेवादार बैठे हैं, इनके चरणों पर मेरा सर, एक एक के चरणों पर पूरी पूरी रात सेवा करते हैं। बारिश में पूरा भर जाता है पानी रोज, ये पूरी रात बैठकर पानी निकालते संगत के आने से पहले, छः छः आठ आठ घंटे सेवा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो वस्त्रों की सेवा करते हैं, गुरुसेव जी को सजाने की, रोज चंदो आप पूरा सेट बदलना, एक एक सेवा अगर आप ध्यान दें, हेडफोन की सेवा, कितने लोगों की गालियां सुननी पड़ती है इन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरा बनना पड़ता है इन्हें दूसरों के सामने, इनकी सेवा धन है, एक एक की, एक एक की सेवा। मैं तो इस लायक नहीं कि इनकी जैसी सेवा कर सकूं, पर मन करता है कि इनकी झोली सबकी भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनसे वो भूल ना हो जाए सेवा में जो ऐतिहासिक घटनाओं में पता चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। झोली भर के ले जाए सब जितने सेवादार है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह की वाणी कहती है, श्रवण कीजिए ध्यान से। विच दुनिया सेव कमाए ता दर गए बैसन पाए, कहो नानक बाह लुड़ाइए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विच दुनिया सेव, सारे बोलिए विच दुनिया सेव कमाई है, फिर से बोलिए विच दुनिया सेव कमाई है। इस अक्षर को ध्यान देना, सेवा करना और सेवा कमाने में जमीन आसमान का अंतर है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं विच दुनिया सेव कमाई है, यहाँ पर आकर संगत की सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होगा, दरगाह में तेरा स्थान रजिस्टर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं तेरे पहुंचने से पहले तेरा स्थान वहां पर रजिस्टर हो जाएगा। विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसण पाई है, सच खंड वसे निरंकार के चरणों में स्थान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक बाहर लुड़ाइए, बाहर लुड़ाइए पता किसे कहते हैं, जब कोई आदमी युद्ध जीत के आए, कहीं पर कुछ जीत कर आए तो कैसे चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सा मान से चलता है, थोड़ा से कि हाँ मैं कुछ करके आया हूँ, दरगाह में इस प्रकार चलेगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक बाहर लुड़ाइए, बाहें खोल कर चलेगा वो वहां पर रिस्पेक्ट से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी डिटेल में बताया गुरु नानक पाशा ने, विच दुनिया सेव कमाई है। अब कमाने का ध्यान से अर्थ समझिए। पिता ने बेटे को भेजा दुकान खोल कर दी कि दुकान पर बैठ, सुबह से लेकर रात तक बैठता है, रोज बैठता है। हफ्ते बाद पिताजी ने हिसाब मांगा, दास दुनियावी तौर पर समझा रहा है, कितना कमाया, कहने लगा कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा इतनी देर किया क्या, कहने लगा बैठा तो हूं ना दुकान पर, मेहनत तो कर रहा हूँ ना, पूरा दिन बैठता हूँ। कहने लगे तेरे बैठने का क्या करूं जब कमाया कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही, सेवा करना और बात है, सेवा कमाना और बात है। कोई 18-18 घंटे सेवा करे खड़े रहकर, जरूरी नहीं कि वो कमा भी रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करने में और कमाने में जमीन आसमान का अंतर है। सेवा करना मेहनत है, पर अगर करने का ढंग ना आया तो कमा नहीं रहा, समय व्यर्थ गवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे मूल शर्त कमाने की सेवा, सबसे मूल शर्त। इसमें दो तीन शर्तें हैं लागू होती है सेवा करने में। इन तीन शर्तों को जितने भी सेवादार हैं हृदय में लिख लो, इन्हें मोबाइल में रख लो स्क्रीनशॉट बनाकर, घर में फोटो बनाकर लगा लो ताकि ये गलतियां ना हो। सबसे मूल शर्त सेवा की, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। चित लाए का भाव क्या है यहाँ पर,
कि कोई झाड़ू मारे तो ध्यान से झाड़ू मारे चित लगाकर, कोई लंगर बना रहे तो चित लगाकर लंगर बनाए, नहीं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नामा कह त्रिलोचना मुखते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाल, हाथ से सेवा कर चित में वाहिगुरु वाहिगुरु कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सेवा करते हुए सिमरन साथ में नहीं है, बातें कर रहे हैं, ध्यान देना एक बात से, अगर बातें कर रहे हैं तो ये काम हो रहा है, सेवा नहीं, फिर सेवा कमा नहीं रहे, कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बार दास ने टोका है, बहुत बार दास ने देखा, बहुत सारे सेवादार हैं जो जुड़कर सेवा करते हैं नाम जप कर, पर कुछ ऐसे भी हैं जो बातें करते हैं यहाँ वहां की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खास करके लंगर सेवादार, इनको तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि सेवा करते हुए कोई बात ना हो, क्योंकि यहाँ पर नाम जपते जपते प्रसाद बन रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक एक आदमी ने नाम जपने वाले ने प्रसाद खाना है, वो प्रसाद बनता ही तब है जब नाम जपते जपते बनाया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप खास ख्याल रखा कीजिए, ये मूल शर्त है, मूल शर्त। सेवा तभी सेवा है जब सेवा में सिमरन शामिल हो। अगर सेवा में बातें चल रही हैं यहाँ वहां की तो वो सेवा कर रहे हो, कमा नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इसको सबसे पहले गांठ बांध लो कि जब भी सेवा करे, कोई भी सेवा हो, इशारों में बात करो, क्योंकि सिमरन चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो फिर अगर सब मिलकर बना रहे हैं लंगर तो जोर जोर से सतनाम वाहेगुरु करके बनाओ, जैसे लंगर साहब गुरुद्वारे में बनता है हजूर साहब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मूल शर्त, सेवा के साथ अगर सिमरन नहीं तो वो सेवा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरी शर्त, और दो पंक्तियां पढ़ ले, साथ साथ में विचार करें ताकि बात पूरी तरह से मन मान जाए कि सेवा कमानी कैसे है। तेरी सेवा, तेरी सेवा मुक्त उगत जुगत, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा उगत उगत जुगत, तेरी सेवा। जिस तू आप करा, जिस तू आप करा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए। तेरी सेवा, तेरी सेवा मुक्त भुगत जुगत, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा मुक्त मुक्त जुगत, तेरी सेवा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक गांव, गांव में एक झगड़ालू औरत, हर से बोलिए धन गुरु नानक। गांव में झगड़ालू औरत, हर एक से झगड़ा करती रहती है, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां, झगड़े कराती रहती है। छोटा सा गांव है, सब परेशान हो गए उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गांव वाले डरते हैं, उसे कुछ कहते नहीं, क्यों? उसने कहानी फैला रखी है। उस औरत को ऐसे लगता है कि मेरे पास एक मुर्गा है, वो बांग देता है तो सूरज निकलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं ये गांव छोड़कर चली गई तो यहाँ पे सूरज नहीं निकलेगा, मेरा मुर्गा बांग देता है तो सूरज निकलता है। अगर मैं इस गांव से चली गई तो सूरज नहीं निकलेगा, गांव अंधेरे में डूबा रह जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे गांव वाले बेचारे भोले वाले डरते हैं कहीं चली ना जाए, पर इतने परेशान हो गए उसके झगड़ा कराने से। एक दिन सारी पंचायत बैठी, कहने लगे हम अंधेरे में रह लेंगे भाई, तो
तू यहां से चली जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो औरत गुस्से से चली गई दूसरे गांव में, मुर्गा अपना ले गई और वहां जाकर बड़ी हंस रही, खुश है। क्या पता चलेगा सबको जब सुबह सूरज नहीं निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पता चलेगा सबको जब सुबह सूरज नहीं निकलेगा, क्योंकि मुर्गा तो मैं ले आई हूं, ये बांग नहीं देगा, सूरज नहीं निकलेगा। सबको ये बात कहती फिर रही है। कोई सियाना मिल गया, कहने लगा मूर्ख, तेरा मुर्गा बांग देता है इसलिए सूरज नहीं निकलता, सूरज निकलता है इसलिए मुर्गा बांग देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सूरज निकलता है इसलिए तेरा मुर्गा बांग देता है, तू अंकार में बैठी के तेरा मुर्गा बांग देता है इसलिए सूरज निकलता है। अंकार मत कर, मूर्ख है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी हंसने वाली बात है, सब हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, पर हमारा भी यही हाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैसे, हम भी अपनी अपनी सेवा का मुर्गा पकड़ कर बैठे हुए हैं। क्या मुर्गा पकड़ा हुआ है, अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो ये सेवा नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सेवा करता हूं इसलिए हेडफोन की सेवा होती है, मैं सेवा करता हूं इसलिए लंगर की सेवा होती है, मैं सेवा करता हूं इसलिए जोड़े घर की सेवा होती है, अगर मैं ना रहूं तो सेवा नहीं होगी। अरे मूर्ख, सेवा है इसलिए तू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो औरत मुर्गे को लेकर खुश हो रही है, हम भी अपनी सेवा को लेकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि मैं हूं तो यह सेवा हो रही है, अगर मैं ना रहूं तो सेवा नहीं होगी। भाई सेवा है इसलिए हम हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जोड़े घर की सेवा है इसलिए हमें सेवा मिली है, अगर जो जो भी सेवा जिसको मिली है वो सेवा है तभी मिली है, हमारी वजह से नहीं है। हम चले जाएंगे, मर जाएंगे, दुनिया नहीं रुकने वाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो औरत मुर्गे को लेकर बैठी अहंकार में, हम अपनी सेवा को लेकर बैठे अहंकार में। अगर सेवा में अहंकार आ गया, बात को बड़े ध्यान से समझना, चाहे वो दास की कीर्तन की सेवा हो, चाहे आपकी सेवा हो, हम सब सेवादार हैं गुरु नानक के, यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। गुरु मुझसे कीर्तन की सेवा ले रहा है, आपसे जोड़े घर की सेवा ले रहा है, सेवा सब बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा वही सेवा है जित सतगुर का मन, जिस पर सतगुर का मन मान जाए। हो सकता है किसी के हेडफोन की सेवा पे मन मान जाए, कीर्तन की सेवा पे मन ना माने गुरु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है कोई जोड़े घर में छुपके सेवा कर रहा हो निम्रता से, उस पे मन मान जाए उसकी सेवा पे गुरु का, हमारी सेवा पे नहीं माने क्योंकि हमारे में अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो विनम्रता से सेवा करता है, जो विनम्रता से सेवा करता है वो सेवा कमा रहा है। जो ये कहे कि मुझे बताओ कौन सी सेवा करनी, जो ये कहे मैं यही करूंगा नहीं तो कल से नहीं आऊंगा, तो कैसी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दास ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे सेवादार हैं यहाँ पर, सामने खड़े होकर कहते हैं भाई साहब ये सेवा मैं कर रहा हूं, अगर मैं चला जाऊं ना तो कल से ये सेवा ना हो। वाहेगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब आए थे विनम्रता थी सेवा में, आज अहंकार बढ़ गया है, मुझे तरस आता है, तरस। इतनी सेवा है उन लोगों की जिनकी दास बात कर रहा है। गुरु नानक मेहर करे ये विनम्रता आ जाए, ये ज्ञान हो जाए। हम क्या पढ़ रहे हैं, तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा, मुक्त भुगत तेरी सेवा मुक्ति है, तेरी सेवा भुक्ति है, तेरी सेवा जुगती है, मुक्ति मिल जाएगी सेवा से। पर क्या है आगे, जिस तू आप कराए, जिससे तू सेवा कराए, कोई कर नहीं सकता, जो भी सेवा कर रहा है वो करवा रहा है उससे, हम कौन होते हैं सेवा करने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले, सेवा वो करवा रहा है, करवा रहा है। दास एक बात, ये बात स्टेज पे बताने वाली नहीं, फिर भी दास बताया था, कम से कम 15-16 साल पहले की बात है। दास एक शहर में गया पहली बार 20 साल ही हो गए शायद, इतना सत्कार मुझे पहली बार मिला, मेरे पे फूलों की वर्षा ये वो जैसे सब करते, तो मेरे मन में अहंकार हो गया कि यार मैं तो कुछ बन गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं फ्लाइट पकड़ रहा था चंडीगढ़ से बॉम्बे की, मुझे अभी तक वो घटना भूलती नहीं। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, फ्लाइट के अंदर पहुंचा हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरा गला ऐसे बंद हुआ सत्संग जी, जैसे किसी ने ताला लगाकर चाबी फेंक दी, बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रही, सिर्फ सांस की आवाज आ रही। मैं परेशान हो गया, किया क्या है मैंने, न ठंडा खाया न खट्टा, हो क्या गया है मेरे गले को, कुछ समझ में नहीं आया।
एक महीने तक बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा, बॉम्बे हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट को दिखाता रहा। वो कहते गले में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना कोई एलर्जी है, ना कोई जख्म है, ना कोई सूजा हुआ, कुछ भी नहीं है, दवाई क्या दे। यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुपचाप बैठा रहा एक महीना, सारे प्रोग्राम कैंसिल। मन को सोचने का मौका मिला तो दिमाग काम किया, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंक्तियां सामने आई, आप जपाए जपाए सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। वो गवा रहा है, तू गा रहा है, तू कौन होता है गाने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी गला बंद हो जाए, क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब उसके हाथ में है। हम करने वाले नहीं है, वो कराने वाला है। जिस तू आप कराए, तेरी सेवा वही कर सकता है जिससे तू कराए, अगर तू ना चाहे वो नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए विनम्रता से सेवा बहुत बड़ी दात है, बहुत बड़ी। संगत जो सुनने वाली है उनको पहुंचने में समय लग सकता है गुरु तक, जो सेवा कर रहे हैं अपना आनंद छोड़कर, सेवा कर रहे हैं अपना आनंद छोड़कर, वो बहुत जल्दी आगे पहुंच जाते हैं, बशर्ते सेवा करने का ढंग आ जाए, विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली शर्त सेवा के साथ सिमरन, दूसरी शर्त अहंकार बिल्कुल भी नहीं। मन में ये ख्याल भी ना आए कि मेरी वजह से सेवा हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तुझसे सेवा लेके दूसरे को दे देगा, खाली रह जाएगा तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस तू आप कराए, 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 तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा की तीसरी शर्त, और ये शर्त बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्चुअली में तो हर एक जरूरी है, पर ये शर्त अगर नहीं निभाई गई, अगर जिसे नहीं निभाई जाती ये वाली शर्त, वो सेवा छोड़ दे मेरे, मैं तो कहता हूं मत करे, कीर्तन सुने बैठकर। जिससे ये वाली तीसरी शर्त ना निभाई जाए, नहीं कंट्रोल आता अपने आप पर। सेवा का तीसरी मूल शर्त है मीठा बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे संगत सामने से कड़वे बोल बोल दे, सेवादार हाथ जोड़कर केवल मीठा बोल बोल दे। कड़वे बोल नहीं बोलने संगत को। जिसने ये गलती की, ऐसी इतिहास भरा पड़ा है इन घटनाओं से, जिसने भी ये भूल की, जन्म का फेर पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो तो सेवा करके कुछ लेने आया था, किसी का दिल दुखा दिया, उल्टा अपनी सेवा तो देकर चला ही गया, पता नहीं अपना सब कुछ ही देकर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सेवा में कड़वा बोलना है, किसी का दिल दुखाना है, दूसरे सेवादार को दिल दुखाना है, दूसरी संगत का दिल दुखाना है, हाथ जोड़कर बेनती है संगत में बैठ जाओ, कीर्तन सुन लो, मत करो ऐसी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐतिहासिक घटना है, दास सुना चुका है, पर मेरा मन है कि मुझे एक कमी और भी लगती है अपने सेवादारों में, गुरु के सेवादारों में, के ये कीर्तन सुनते कम है, क्योंकि सेवा में लगे रहते हैं, जब सुनेंगे नहीं तो उन्हें पता क्या चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मैंने सामने बिठाया सारे सेवादारों को, आज के सामने बैठ के एक बार सेवा का प्रकरण सुन लो, सद्बुद्धि आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि हमसे ये गलतियां ना हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दीवान सजा है, शॉर्ट में दास बता रहे हैं, भाई कीर्तिया चौर साहब कर रहा है, एक रिच वाला आया, कहने लगा मुझे यहाँ पर अपना कला का प्रदर्शन करने दो। वो कहता है रिच को कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आज्ञा दे देते हैं, रिच कला बजिया करके दिखा रहे, करतब करके दिखा रहे, संगत खुश हो रही, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी हंस रहे, पीछे खड़ा भाई कीर्तिया भी हंस रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जो चौर साहब कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंभीर हो गए, कहने लगे भाई कीर्तिया पता है ये रिच कौन है? तेरे पिता शोभा राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने चौर साहब रख दिया कि मेरे पिता शोभा राम ये रिच। उन्होंने तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ सेवा करते हुए सारा जन्म बिता दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी नौवें गुरु नानक के साथ जो सेवा कर रहा हो, पूरा जन्म उसने सेवा में बिताया हो, फिर 84 लाख जोनियां भोग रहा हो, सोचो कैसी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती क्या? कड़वे बोल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घटना बहुत लंबी था, शॉर्ट में बता रहे था, आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों को समझा कर। कहने लगे तेरे पिता का स्वभाव बड़ा कड़वा, बहुत बार समझाया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कि मीठा बोला कर संगत से, हाँ कह देता है पर कंट्रोल नहीं करता। एक बड़ी कमाई वाला, एक दिन कड़ा प्रसाद बांट रहे थे तेरे पिताजी, एक बड़ी कमाई वाला कोई जिसकी अवस्था ऊंची हो चुकी थी, सहज अवस्था को प्राप्त हो चुका था गुरसिख, वो बैलगाड़ी बार चलती छोड़कर भाग कर आया, कड़ा प्रसाद ले लू गुरु साहब जी के दर्शन कर लू, काम छोड़कर आया, बैलगाड़ी उसकी चल रही है बिना उसके। वो दौड़ कर आकर गुरु तेग बहादुर साहब जी को माथा टेका और फिर प्रसाद लेने चला गया और कहने लगा मुझे पहले दे दो शोभा राम, मुझे प्रसाद का किनका पहले दे दो, मुझे जाना है जल्दी। कहने लगे तेरे पिता ने उसे 2 बार दुत्कार दिया कि पीछे हट। जब 3री बार इसने कहा कि मुझे मेरी बैलगाड़ी चल रही है, मुझे प्रसाद का किनका दे दो, पहले दे दो मुझे, तो तेरे पिता ने कहा कि क्यों रिच्छो की तरह ऊपर आ रहा है, तुझे कहा ना पीछे हट। इतने कड़वे लफ्ज कहे और हाथ ऐसे किया, वो कड़ा प्रसाद उसके हाथ में जो लगा था वो धरती पर गिरा। उस सिख ने जिसकी अवस्था सहज अवस्था थी, नाम में रंगा हुआ, उसने वो कड़ा प्रसाद का किनका उठाया, अपनी रसना पे लगाया और कहा रिच तो तू है जिसे संगत से बात करने की तमीज नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने बोलते कैसे पता नहीं, दिल दुखा देता है लोगों का, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो चला गया। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे मेरी बांदी भगत छुड़ावे, बांदी भगत ना छूटे मुहे, मैं तो माफ कर दूं पर मेरे भगत ने शराब दिया है, मैं नहीं छुड़ा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाले के मुंह से निकला है इसलिए उसे रिस का जन्म मिला है। तो भाई कीर्ति ने हाथ जोड़ दिए, अब तो आपके शरण में आ गया है मेरे पिताजी, अब तो बख्श दो। कहने लगे इसीलिए तो आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कड़ा प्रसाद की देख खुद खाई और शीत प्रसाद उस रिस को दिया, उसने श्वास त्याग दिए। आगे भी घटना है पर दास यहाँ पर रुककर सब बात करना चाहते, ध्यान से समझिए। हम सेवा कर रहे हैं, हमें नहीं पता संगत में किसकी क्या अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता हो भी किसकी क्या अवस्था है, चलो माना पता है, पर संगत में है तो गुरु की संगत है, विच संगत हर प्रभ वस्या जी। संगत में गुरु बसता है, संगत में रिश्तेदार कोई नहीं, संगत में मित्र कोई नहीं, संगत में बड़ा कोई नहीं, संगत में छोटा कोई नहीं। जो यहाँ पर बड़ा बन के आता है, आगे आके बैठता है चौड़ा होकर के, मैं बड़ा हूं मुझे कोई रोक नहीं सकता, वो खाली जाता है। बात को समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमें अंदर लाना पड़ता है हाथ जोड़कर, पर जो इस तरह से आते हैं अपने रुतबे के हिसाब से आगे आके बैठेंगे कोई रोक नहीं सकता, वो कुछ लेके नहीं जा सकते। यहाँ पर वही लेके जाता है जो खाली होकर आता है, भरा हुए बर्तन में गुरु क्या डालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर विनम्रता से, यहाँ पर सबको एक दृष्टि से देखने की कोशिश करो, चाहे आपका रिश्तेदार हो चाहे आपका पहचान वाला हो, जो जिस तरह से सबको बिठा रहे हो वैसे ही बिठाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत में किसकी क्या अवस्था हमें नहीं पता, हाथ जोड़कर सामने वाला क्रोध भी करे कुछ बोल दे, देखो महापुरुषों के वचन है, समझो कोई सेवा कर रहा है, सामने वाला उसे बुरे अक्षर बोल देता है, सेवादार सह लेता है, सामने वाला अपनी सारी की हुई कमाई उसकी झोली में डाल के जा रहा है, फ्री में आपको सारी कमाई मिल रही है उसके, रात की खुशी से ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ते क्यों हो, झगड़ा करके तो आपने अपना भी गवा दिया, चुपचाप सह लो सामने वाले के कड़ले लफ्ज, जो सहेगा वो लहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब लंगर प्रसाद की मर्यादा सुनिए। लंगर प्रसाद जो बनाते हैं लंग, जितने भी लंगर प्रसाद के सेवादार हैं, कभी भी प्रसाद अपने लिए अलग निकाल कर नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं, बांट दो संगत में। सेवादार का काम है अपने आप को पीछे रखना, बचेगा तो मुंह को लगा लेंगे, अपने लिए निकाल के रखना पाप है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, हम सोचते हैं हम सेवादारों के लिए निकाल लें, सेवादारों को समझाओ भाई पहले बांटो, बचेगा एक टुकड़ा भी बच गया वो भी आपके लिए फिर सच्चा प्रसाद है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु का प्रसाद कमी हो नहीं सकती है, डर मन से निकालो, जहां पर गुरु की संगत आ जाए, गुरु की वाणी चल रही है, प्रसाद में कमी नहीं आ सकती, भरोसा हो पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कितने कर्तव्य हैं ऐतिहासिक, लंगर प्रसाद पे चादर डाल देते हैं और फिर अरदास करते हैं, पाछा त्यो व्रत सारे खा के चले जाते हैं, लंगर नहीं खत्म होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भरोसा नहीं, हम पहले निकाल लेते हैं, जब पहले निकालेंगे फिर तो कम पड़ना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये छोटी छोटी बातें हैं साथ संगत जी, ध्यान दो। मेरा कहना सिर्फ इतना, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी झोली भर जाए, खाली ना जाए। सारा जन्म हो गया है सेवा करते हुए, सारा जीवन बीत गया, एंड आ गया है कई लोगों का, अगर ढंग ना आया तो खाली चले जाएंगे, क्यों खाली जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ये जो ज्ञान दास बता रहा है मेरे हृदय में भी प्रवेश कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुक्त उगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुक्त उगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए, 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 जिस तू आप कराए। तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुकत उगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुकत उगत जुगत तेरी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऐतिहासिक घटना है बहुत ही कमाल की, कि सेवा कैसे, कैसे सेवा कितनी जल्दी गुरु से मिला देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस ढंग आ जाए, जो ढंग इन्होंने अपनाया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की घटना, ये घटना ना बहुत ही लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी, अगर इसको डिटेल में सुनाना हो तो 1-1.5 घंटा चाहिए। दास बीच में से ले रहा है ताकि बात समझ में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी संगत कहती है मुझे कि आप हर चीज शॉर्ट में बताते हो, डिटेल में बताया करो। असल में है क्या ना, मैं चाहता हूँ जब भी कोई प्रकरण हो उसका हर पहलू में आ जाए। होता हमारे पास 1.5 घंटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1.25 घंटा कि हर पहलू का पता चल जाए, हर पहलू का, इसलिए दास शॉर्ट में लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की घटनी, फफना गांव का भाई बहलो जो कब्रों की पूजा करता है, अपने गांव का प्रतिष्ठित आदमी है, सैकड़ों लोग उसके पीछे चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत नाम है उसका। बहुत धनवान भी है। ये बहुत लंबी घटना है। आखिर में जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज के चरणों में आया, ये कैसे आया बहुत लंबी घटना है, फिर दास कभी ले लेगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के चरणों में आया, माथा टेका, महसूस हो गया कि सही ठिकाने पहुंच गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मन को शांति नहीं थी सब कुछ करते हुए भी, अब मन को शांति मिली गुरु अर्जुन देव जी महाराज के दर्शन करके। अब संगत करता है, रोज देखता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ईंटें पक रही हैं,
ईंटें पक रही है, ईंटें बनती है भट्टे में, क्योंकि वहां पे उसारी चालू है, गुरु अर्जन देव जी महाराज हरमंदिर साहब बनवा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतसर शहर बसा रहे श्री अमृतसर से। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज एक दिन भट्टे के पास आए, ईंटें चेक करने लगे कैसी ईंटें बनी है। ध्यान से देखा तो ईंटें ठीक नहीं है, कच्ची है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना लाल है, कच्ची है, हाथ से ऐसी टूट रही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे ईंटें सही नहीं है, सही क्यों नहीं बन रही। तो सेवादार ने कहा कि मैला नहीं मिल रहा। मैला कहते हैं कूड़े करकट को, गंदा कचरा, जानवरों की लिद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब मिल नहीं रहा, कोई लेके नहीं आता। संगत सारी सेवा तो कर लेती पर ये सेवा कोई करता नहीं, क्योंकि इतनी कचरा उठाना रास्ते में जाकर एक एक जगह पर लेकर आना, क्योंकि अगर वो सब कचरा डाला जाए गंदा भट्टी में तो ईंट बड़ी लाल और मजबूत पकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ने ये बात सुनी, जितनी भी संगत वहां आसपास खड़ी थी, और सुनी किसी ने, भाई बहलो ने भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रतिष्ठित व्यक्ति है शहर का, लोग उसके आगे पीछे चलते हैं, सैकड़ों लोग जब वो चलता है, इतना मान शख्सियत है भाई बहलो। पर अपनी सारी शर्म, सारा अहंकार, सब कुछ छोड़कर उसने टोकरी सर पर बांध ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुना सबने, माना भाई बैलो ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज तो वहां से चले गए। ये पूरा दिन रात लगा रहा, जितनी देर सोना, जितनी देर खाना, केवल उतनी देर आराम, बाकी दिन रात यही करता रहा। जहां पर भी कचरा पूरे शहर में दिखाई दे, मैला, जानवरों के लिए, उठाकर टोकरी में डालनी, ना कपड़ों की परवाह ना किसी चीज की परवाह, लाकर भट्टे में डाल देनी। और जब इस बार ईंटें तैयार हुई, गुरु अर्जन देव जी महाराज आए, ईंटें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, एकदम लाल पकी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांचवे गुरु नानक कहने लगे ये ईंटें इतनी लाल इस बार इतनी अच्छी कैसे बनी। तो सेवादार का, सब सेवादारों ने कहा कि ये केवल और केवल भाई बैलू की सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्होंने दिन रात नहीं देखा, दिन रात लगा दिया है सेवा करने में। गुरु अर्जन देव जी महाराज का ध्यान गया, भाई बहलो अभी भी टोकरी सर पर लेकर कचरा उठा के आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज भाई बहलो को अपने पास बुलाया, छाती से लगा लिया अपने, कहने लगे उस वक्त सुना सबने था, पर केवल तूने सोचा है कि ये सेवा मैं करूं। अपना अहंकार छोड़कर तूने ये सेवा की, अपना अहंकार छोड़कर। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहां पर वर दिया, भाई बहलो सब तो पहलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दरगाह में जितनी भी सुविधाएं हैं तेरे लिए सबसे पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस धरती पर जितनी भी सुविधाएं हैं तेरे लिए सबसे पहले, भाई बहलो सब तो पहलो। सारी संगत देखकर हैरान होनी, कैसे इतनी जल्दी थोड़ी सी सेवा करके गुरु अर्जन देव जी महाराज से इतना बड़ा वर ले लिया इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसकी सेवा में खास बात क्या थी साध संगत जी? सेवा तो हम भी करते हैं, इसकी सेवा में खास बात थी, इतना बड़ा आदमी होते हुए उसने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। अपनी लाज शर्म अहंकार को त्याग कर इसने वो सेवा की, जो सेवा कोई करना नहीं चाहता था। एक तरह से बाथरूम लैट्रिन साफ करने की सेवा हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिल्ली में दास ऐसे एक परिवार को जानता है जो अरबोंपति है, अनलिमिटेड दौलत है जिनके पास। रात को पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है 12 बजे साथ से, झाड़ू बाल्टियां कटका लेके सारा सामान लेकर, हारपिक वगैरह लेकर पूरा परिवार पहले श्री बंगला साहब गुरुद्वारे में सारे बाथरूम लैट्रिन साफ करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं शीशगंज साहब गुरुद्वारे, सारे बाथरूम लैट्रिन साफ करते हैं, सुबह तक फिर घर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। एक बात यहां पर थोड़ी सी समझने वाली है, बड़ी ध्यान से समझना बात। अभी जो हमने सारी बातें की है वो सेवा है गुरु घर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा गुरु घर की, संगत में आई है, पर सेवा को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा केवल ये ग्राउंड के अंदर नहीं है, गुरुद्वारे के अंदर नहीं है, कोई रास्ते से जा रहा है, रास्ते में पत्थर है जिससे वो टकरा गया, ज्यादा करके हम क्या करते हैं, पत्थर है रास्ते में गाड़ी साइड से निकाल ली, या खुद टकरा भी गए तो वहीं से दो गालियां दी और आगे बढ़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे अगर वो आदमी पत्थर हटाकर साइड में रख देता है,
सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने अब ये सोचा है कि जो पीछे आएगा उसे कोई नुकसान ना हो जाए। सेवा एक इतनी छोटी चीज नहीं है कि ग्राउंड में, गुरुद्वारे में या मंदिरों में ही सीमित रह जाए। सारा सेवा करने वाले के लिए सारा विश्व सेवा का स्थान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक टीचर है, टीचर है, उसे समय नहीं मिलता सेवा करने का, गुरुद्वारे में आने का। महापुरुषों के वचन दास कह रहे हैं, पर वो अपनी जो काम है टीचर की चीज करने का, उसे पूरी ईमानदारी से इस प्रकार कराती है कि बच्चों को ट्यूशन ना जाना पड़े। स्कूल में टीचर है, इतनी ईमानदारी से पढ़ा रही है, उसके मन की भावना यह कि बाद में बच्चों को ट्यूशन की फीस ना भरनी पड़े माता पिता को, वो इस भावना से पढ़ा रही है। सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई डॉक्टर है, दवाई ये सोच के नहीं दे रहा कि मरीज बार बार आए, इस प्रकार इस भावना से दे रहा है कि एक बार चला जाए, वापस ना आना पड़े, इसे तकलीफ ना हो। सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना काम पूरी ईमानदारी से करना सेवा है, रिश्वत ना लेना सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवा का मतलब क्या होता है? अपना विचार नहीं करना, सामने वाले का विचार करना। जो सामने वाले का विचार करके काम करता है वो कोई भी हो, सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हमें सेवा करने का ढंग आ जाए। ये ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मीठे बोलना है, बाहर जाके गालियां देनी है। यहाँ मीठे बोलना है, ये तो ट्रेनिंग सेंटर है ना, यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेके जाते हैं बाहर जाके वैसा करना है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अंदर तो बड़ा मीठा बोल रहा था, यहाँ पर कैसे बोल रहा है। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। हम सबको सेवा की दात बख्शे, जिस तो आप कराए, जिस तो हे गुरु नानक हे पाचा, हमें सेवा करनी नहीं आती। हम भूलन हार है, रोज गलतियां करते हैं, तरस कर अपनी सेवा आप ले ले, आप करा ले, अहंकार मत आने दे, ये भी तू ही कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मीठे बोलने की दात भी तू ही दे सकता है, मीठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे मीठा तो तू बोलता है, तरस कर हमें भी वो मिठास आ जाए, विनम्रता आ जाए। सिमरन बंदगी दे ताकि सेवा करते हुए सिमरन करते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सारे सेवादारों को बेनती है, अपने अपने सेवा में चले जाएं, क्योंकि संगत ना उठे पहले। सेवादारों को जाने दिए, रास्ता मिल जाएगा, फिर बाद में उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा, संगत बाद में, संगत तो उठा ही मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस तू आप करा, जिस तू आप करा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए, जिस तू आप करा, जिस तू आप करा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप करा, जिस तू आप करा, जुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत जुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, जुगत जुगत तेरी सेवा।
जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए आप कराए जिस तू आप कराए जिस तू भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए, 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 भुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा। अरदास दातिया चरना विच तेरे, 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 अमृत वेले गुण गाए तेरे, वेले गुण गाए तेरे, वेले गुण गाए तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे, मैनू बख्श लवो दुख हर लो मेरे, मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे, मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे, मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे, अमृत वेले दर आए 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 तेरे,
अरदास दातिया चरणा विच तेरे कीर्तन दीदार पाओ चोली मेरे कीर्तन दीदार पाओ चोली मेरे नाम दीदार पाओ चोली मेरे हरदास दातिया चरणा विच तेरे मन जुड़ जावे चरणा विच तेरे मन जुड़ जावे चरणा विच तेरे हरदास दातिया चरणा विच तेरे हरदास दातिया घर आओ मेरे हरदास दातिया घर आओ मेरे हरदास दातिया घर आओ मेरे घर आओ मेरे वाहेगुरु 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 हरदास दातिया चरणा विच तेरे हरदास दातिया चरणा विच तेरे अमृत वेले गुण गाइए तेरे अमृत वेले गुण गाइए तेरे मैनु बख्श लवो दुख हर लो मेरे मैनु बख्श लवो दुख हर लो मेरे अमृत वेले दर आइए तेरे अमृत वेले दर आइए तेरे
सिखी दीदार पौचोली मेरे कीर्तन दीदार पाओ चोली मेरे मन जुड़ जावे चरना विच तेरे नाम दीदार पाओ चोली मेरे नाम दीदार पाओ चोली मेरे सेवा दीदार पाओ चोली मेरे अरदास दाते चरना विच तेरे अरदास दाते चरना विच तेरे अरदास दाते घर आओ मेरे अरदास दाते घर आओ मेरे घर आओ मेरे घर आओ मेरे पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई अमरी करो हाथ दे रचा पूरन होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमार अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब है कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब रन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना क्या जो पर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उभरी है अर्ध काल का त्रास नवरी है हो जो सदा हमारे पछा यस तुझ जो करियो रचा राख ले मोय राखण हारे साहिब संत साहिब दीन बंद दुष्टन के हंदा हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रगासा सकल काल का किया तमासा जवन काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जग छन उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारे सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्टि कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है कट कट के पट पट की जान जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब अकर्क कर तो कब तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब दार आप आपने वो
तुझे उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ तांका मूढ़ उचार तु भेदा को पेव न पाप तु भेदा तांको कृपान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जान महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती तो पिन पिन तो तुमरा लखा न जाए पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोरा व कई कोपा अंडज जेरज से तज कीनी कुछ खान बहो रच देने कहूं कुल राजा हव बैठा समट प्यो संकर फैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुग आद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो दुष्ट जिते उठवते उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी परे के दुष्ट दुख तो हव मरे उर्क जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला उष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहरो आके ताप तनक मोहरो और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम ते हारो कहा दुष्ट लोग ते खड़ग केत मैं शरण तिहारी हाथ दे ले ओ उबारी सर्व डोर मो सहाई दुष्ट दोख दे ले ओ बचाई खड़ग केत मैं शरण तिहारी हाथ दे ले ओ उबारी सर्व डोर मो सहाई दुष्ट दोख दे ले ओ राम कली मोहल्ला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से की मन वजिया बाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन सारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे घर ता तेरे सब कुछ है जिते सोपारे सच्चे सैल क्या नाई घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुक्का सब गवाइया कर सान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधार घर सभागे घर सभागे सबद वाजे कला ज करतारिया पंज दूत बस कीते काल कंटक मारिया मन सुनो बड़बागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे कहते पवित्र सतगुरु रे अपर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण
चरण लागे वाजे अनहर तुरे सलो पवन गुरु पाणी पिता धर्म हजूर करमी आपो अपने जिनी नाम ध्याया जिनी नाम ध्याया जिनी नाम ध्याया जिनी नाम ध्याया वाहे गुरु 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 वाहे काल नानक ते मुके उजले खेती छोटे नाल बोलो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह दिन होवे रात होवे तेरा जिक्र करा मैं तेरे होंदे आवे मेरे गुरु जी कानू फिक्र करा मैं बिन मंगया तू दिता सानू हक तो भी ज्यादा सब वचना दा गुरु जे तुसे निभाया हर वादा तेरी रजा विच राजी हर वेले हुण रहना सुख होवे दुख होवे मुहो कुछ नहीं ओ कहना सुख विच शुकराना दुख विच फरियादा हर हाल विच दाता बस तेरिया ही यादा एना दिता है दुर्बा की वेज कर करा मैं हर दम हर वेल गुरु जी तुहाडा शुक्र करा मैं किन्ना लफ़ज़ा च गावा महिमा मैं तेरिया दाता हर हाल च निभाया तुसा साडे नाल नाता बाफण के हमेशा चंगे पासे वल तूरा असी अद्धे ते अधूरे तू है पूरण ते पूरा गल साहिल दी तुसा एक वार भी ना टाली ताइयो हर कोई होया गुरु जी तुआडे दर दा सवाले पुनीत तेरा बछड़ा गुरु जी की वे शुकर करा मैं
जिस हाल विच रखे तुहाडा शुकर करावै, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, दरबार बुलाया चरणा विच लाया, दोषां नूं भुलाया आपे अपनाया, हंकार मिटाया धीरज उपजाया, देखे ना जताया सानू पार लगाया, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, बतेरा पल पल मैं तेरा, जद होवे हनेरा जद होवे सवेरा, सुख दुख सब तेरा कुछ भी नहीं मेरा, कण कण विच तेरा दिसदा है बसेरा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, कहंदे ने सवाली रुतबा तेरा आली, दुनिया दा वाली तेरी शान निराली, मोड़े ना खाली करदा लज पाली, वंडे खुशहाली डुबदी तू संभाली, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, दुखियां दा सहारा सुखियां नू भी प्यारा, जद जद दिल हारा संसार सारा, दिल जान विहारा डुगरी दा नजारा, स्वर्गां तो भी प्यारा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, संगता दे कारज आप खलोया, संगता दे कारज आप खलोया, हर कम करावण हर कम करावण आया राम, संगता दे कारज आप खलोया, संगता सुखदाई कीते सुनवाई, तुसा देर न लाई हर
मुकाई किस्मत चमकाई औकात बनाई इज्जत दी कमाई चोली विच पाई तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा हर आस अधूरी कीर्ति एक पूरी श्रद्धा ते सबूरी देना है जरूरी रखदा नहीं दूरी कटदा मजबूरी हर वक्त हजूरी कीर्ति मंजूरी बड़ा शुक्र करा मैं गुरु जी शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा मंगया सो पाया लारा नहीं लाया बदियां तो बचाया नेकी वल लाया सम्मान वधाया रज रज के रजाया समझाना पराया हर वचन निभाया तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा चंगिया नू मिलाया मेहनत दा खवाया विश्वास जगाया तन तन तेरी माया हर कम बनाया चुकना भी सिखाया अशकां नू मिटाया नीवे फल पाया तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा सतगुरु प्यारा मेरे नाल है 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 बड़ा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा हर रसना ते गुरु जी हर दिल विच वे गुरु जी हर सुख विच भी गुरु जी हर दुख विच भी गुरु जी चारे पासे गुरु जी हुंदे चर्चे कण विच वी गुरु जी तन मन विच वी गुरु जी मिलके बोलो गुरु जी अमृत बोलो गुरु जी सच दी सूरत गुरु जी रब दी मूरत गुरु जी चिंता तजिए गुरु जी हर दम जपिए गुरु जी हर दे गजदा दुखड़े हरदा गुरु जी मां फड़ लैदा गुरु जी अंग संग रहदा गुरु जी अनमोल रतन गुरु जी सजना दा सजन गुरु जी हर दम रक्षक गुरु जी करुणा दायक गुरु जी जग तो न्यारा गुरु जी रब तो प्यारा दा स्वर गुरु जी हर स्वर अंदर गुरु जी भक्ति देदा गुरु जी शक्ति देदा गुरु जी मस्ती देदा गुरु जी मुक्ति देदा गुरु जी चुकिया दा वी गुरु जी डिगिया दा वी गुरु जी दुखिया दा वी गुरु जी दा भी गुरु जी सब नू वेखे
करे गुरुजी इंसाफ करे गुरुजी नित ध्यान करो गुरुजी गुणगान करो गुरुजी एहसास करो गुरुजी कुछ खास करो थोड़ा शुक्र करा मैं गुरुजी थोड़ा शुक्र करा शुक्र करा मैं गुरुजी तोड़ा शुक्र करा तोड़ा शुक्र करा मैं गुरुजी तोड़ा शुक्र करा तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुक्र करा तोड़ा शुक्र करा मैं गुरुजी तोड़ा शुक्र करा ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा Oh.
शिवजी सदा जय गुरु जी की।